कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं सुपर शैंडी टेलर्स। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं रिजिड वैक्यूम क्लीनर का, जो इस बॉक्स में है। तो इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों पैकिंग बढ़िया लग रही है मेरे को। तो इसके बीच में भी एक डब्बा है। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये मिला, ये है इसका बिल। पाइप्स दिए हुए हैं, एक्सटेंशन, ये देखिए एक्सटेंशन एक और, वो ये हमारी होस पाइप जिसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर है। देखिए कितना बढ़िया वैक्यूम क्लीनर है, रिजिड वैक्यूम क्लीनर, रिजिड पोर्टेबल वैक 5.0 पी हॉर्स पावर, मतलब ये 4-5 हॉर्स पावर तक पावर है इसकी। 4 गैलन तक ये कैपेसिटी है इसकी। अब तक फास्ट पावर है इसकी, परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया, मतलब कि ब्लोइंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। और दोस्तों कार्ड रैप एंड लार्ज हैंडल, मतलब इसका हैंडल ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हैंडल है। हैंडलिंग दोस्तों बहुत अच्छी बढ़िया हैंडलिंग है इसकी। ये देखिए कितना बढ़िया टायर इसका, कितना अच्छा बढ़िया वाला टायर दे रखा है इसका। और ये देखिए आगे पीछे ले जाने में, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये वायर काफी लंबी है, वायर देखते हैं खोलती कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। दोस्तों वायर तो देखने में काफी लंबी है, 1 मीटर, सॉरी ये देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, लगभग इसकी 6.5-7 मीटर की केबल है, जो कि किसी भी वैक्यूम क्लीनर के साथ नहीं मिलती। ये बात बहुत बढ़िया लगी मेरे को वैक्यूम क्लीनर की। और ये देखिए इसके पीछे यहाँ पे बॉक्स है, ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये बॉक्स है, इसमें आप ये तार रख सकते हो, तार इसके अंदर आ जाएगी और ये यहाँ पे सेट हो जाएगी। और ये यहाँ से खुलता है दोस्तों, देखिए इसका ये जो लॉक्स हैं, ये दोनों साइड लॉक्स दे रखे हैं, ऐसे करके इसको खोलते हैं और इसको ऊपर से निकालते हैं, और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए दोस्तों अंदर ये फिल्टर दे रखा है इसका, फिल्टर का भी देखते हैं। और ये इसका डब्बा है, और दोस्तों एक चीज और आपको दिखाऊंगा, इस डब्बे के अंदर कुछ, इसको डब्बे के अंदर अटैचमेंट्स दी हुई हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन्होंने सिर्फ 2 ही अटैचमेंट दे रखी है, जो कि मुझे बढ़िया बात नहीं लगी। और इसके साथ कुछ खास नहीं, ये इसका वो इन्होंने इसमें ऑनर मैनुअल रखा हुआ है, इसमें आप पढ़ के देख सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप पढ़ सकते हैं। इसको चलाकर देखेंगे कि वैक्यूम क्लीनर बढ़िया है कि नहीं है। मुझे एक्चुअली, मैं एक कार डिटेलर हूँ और मुझे छोटा और पोर्टेबल चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला वैक्यूम क्लीनर लिया।
बहुत ही बढ़िया वैक्यूम क्लीनर है, 5 हॉर्स पावर का कोई भी वैक्यूम क्लीनर हमारे इंडिया में नहीं आता, जो कि इसमें बहुत अच्छा। फिलहाल हम इसे बंद कर देते हैं, इसका ऑन ऑफ वाला स्विच है, और हम इसे ये केबल चेक करेंगे लगा के। अभी मैं स्विच में लगा के इसको चेक भी करूँगा कि इसमें कैसी इसकी पावर है। दोस्तों पीछे से मैंने प्लग लगा दिया है, अब इसे दोस्तों वाह इसकी बहुत ही बढ़िया, मतलब कि आवाज बहुत खतरनाक है इसकी, कैपेसिटी मेरे को लग रही है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे कोई जेट की आवाज होती है ऐसी आवाज है इसकी। अभी रॉड्स हम यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे, और ये वाली रॉड भी इसके ऊपर ऐसे लग जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों इसको लगा देंगे हम हाँ ये लग गया। ऐसा ही मुझे वैक्यूम क्लीनर चाहिए था गार्डनिंग के लिए, और मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो मुझे लगता है ये आपको वीडियो आपके लिए जानकारी होगी, आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी लगी होगी वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें।